सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का फिफ्थ पिक्सल्स के ब्लॉग के खोजने मजेदार एपिसोड में। एंड गाइस, आज के एपिसोड में अपन बात करेंगे यार हाउ टू कंप्लीट F7 विद, मतलब एक आप समझ सकते हो F7 कंप्लीट करने की प्रॉपर गाइड आपको आज के वीडियो में अपन बताने वाला हूँ। एंड हाँ, तो देखो इस वीडियो में थोड़ा बहुत टर्मिनल्स वगैरह मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाऊंगा। डिटेल वीडियो अगर आपको और भी चाहिए होगी तो मैं एक एक टर्मिनल पर बाद में कभी बना दूंगा, बट आई डोंट थिंक सो आपकी इसकी नीड है क्योंकि आप इजीली समझ जाओगे अगर एक दो बार आप ट्राई करते रहोगे तो। एंड बाकी तो सारा कुछ ईजी है, आपको जेरी मशीन गन भी आपको पकड़ लेने ताकि आप वो क्रिस्टल्स वगैरह ले पाओ। बाकी उसमें तो मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नहीं हूँ, बट बाकी स्टिल आपको आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। बाय द वे, हमेशा की तरह आज की वीडियो में अपने साथ है अपने गोविंद भाई, अपना नुबड़ा छोला एंड बाकी तो है अपने बंदे। बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर प्रिंस गेमर, क्योंकि वो हमेशा की तरह यार सीक्रेट्स बहुत ही मान तरीके से करता है। तो चलिए बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना ये टाइम वेस्ट करें। तो फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं डंजन्स एंड बाकी मिलता होगा आपको डायरेक्ट ब्लड रन वगैरह करने के बाद। तो बाकी देखो हमने तो मतलब सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से डोमिनेट किया है इस मैच में, इस रन में सॉरी, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 6 मिनट के अंदर ब्लड रन तक आ गए चुके थे, वो भी 100% क्लियरेंस विथ 90%+ सीक्रेट्स के साथ। तो भाई बहुत ही अच्छा रन हुआ था हमारा ये वाला, क्योंकि हर बार हमारे रन S+ नहीं होते, कभी कभी कुछ ना कुछ रीजन की वजह से हम हार देते। जैसे तो मेरी भाई हमेशा की तरह लाइट ही अच्छी है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो हाँ, इसी ये वाला रन काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ था एंड इसके पहले की मेरी एक रिकॉर्डिंग बर्बाद हो चुकी है, सो मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई लाइट के जो है सो है। सो फटाफट यहाँ पे ढूंढते पड़ा मॉब्स को, देखो अभी 6 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं एंड यहाँ पे हमारा 100% क्लियर के साथ अच्छे खासे सीक्रेट्स जो है वो हो चुके। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे मॉब्स वगैरह दे रहा है आइडिया, थोड़ा चेक करते यहाँ पे ट्रैप रूम है वो हो चुका है। तो चलते पड़ा ब्लड रूम में एंड बाकी अंदर घुसते क्योंकि ऑलमोस्ट सीक्रेट्स वगैरह सब हो चुके हैं, तो ब्लड रूम का रास्ता इधर से ही है। बट अंदर ब्लड रूम में एंड वीडियो को जिन लोगों ने भी लाइक नहीं करा फटाफट लाइक कर देना और जो भी चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। और क्योंकि इसे ऐसी बेहतरीन विंडोज में लाने वाला हूँ क्योंकि बेस्ट आर्मर बेस्ट वेपन्स वगैरह सब कुछ वीडियो आने वाले बहुत जल्दी। एंड सॉरी इतने दिनों से वीडियो नहीं आई थी, ऑलमोस्ट 8-10 दिनों से, तो उसके बारे में करते हैं बात में। देखो अभी आपको जेरी मशीन गन पकड़ के यहाँ पे ऊपर कूदते रहना। आप देखो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई ये तो और ट्रिक हमारे मतलब बहुत टाइम लग जाता है, तुम देखो मैं जल्दी एक और वीडियो बनाऊंगा इस पर, क्योंकि मैं यार मेरे को खुद को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है। तो अपने जो बाकी के दो बंदे हैं ना वो स्पिरिट बूट्स पहन के यानी जिसकी उड़ने की एबिलिटी होती है उसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्रिस्टल ले पा रहे हैं। तो हाँ, तो यार मैं जल्दी उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें मेरी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है खुद की, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। बट हाँ, अब समझ सकते हो अगर आप लोग कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। बाकी देखो इस बॉस को आपको लाल वाले लेजर पे टच करवाना है कैसे भी करके दो बार, एक बार टच होने के बाद आपको 50 SP जाएगी एंड सेकंड टाइम में आपको फिर से क्रिस्टल लेना होगा एंड फिर से उसको लेजर में मारना होगा। मैं रिकमेंड करूँगा जब आप लोग एक लेजर तोड़ोगे तो आप ऊपर ही बैठे रहना, क्योंकि आप फिर डायरेक्टली आपके जो क्रिस्टल है वो पिकअप करके बॉस का काम खत्म कर सकते हो इजीली। इससे आपके 1 से 2 मिनट बच जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है अगर आप S+ रन्स के लिए जाते हो तो। कंपटीशन तो खैर बहुत इजी होता है बट जो लोग ग्राइंड असली करते हैं उनको पता होगा उनके लिए 1-1 मिनट में कितना कीमती होता है। बट देखो अभी इस पर ये हैंगओवर हो चुका है, नहीं पता नहीं क्या ग्लिच करके बैठा है, आजा फटाफट लाल लाइन के अंदर। तो आपको इसको कैसे भी करके, क्योंकि यार विदर का हीट बॉक्स काफ़ी अलग होता है तो आपको सही से करना पड़ेगा ये, इसमें मेक श्योर करना आप, क्योंकि ये आपका थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम कर सकती है। एंड बाकी इसका नेक्स्ट वाला केस भी थोड़ा मतलब ईजी है वैसे तो, बट डोमिनेशन चाहिए होता है। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो ये देखो ये ग्रीन वाला पैड यहाँ पे, तो आपको एक आपकी टीम में से एक बंदा वहाँ पे उस साइड पे जाएगा, मैं आपको एक बार डिटेल से समझा दूंगा वो येलो पैड पे जाने के बाद, ठीक है। अभी फिलहाल बॉस को एंगर करते यहाँ पे एंड वो अपना तुम्हें एक टीम में वो दबा देगा पैड एंड वो विनर नीचे होकर स्ट्रॉन्ग को अटका देगा, तो यहाँ पे आप ईजी मरेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ वो पैड होगा कहाँ पर, देखो यहाँ पे जब एंगर पे आओगे तो वहाँ पे एक बंदा होगा, वहाँ पे प्रेशर प्लेट लगी होती है, तो जैसे ही वहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे आपका जो पिलर है वो नीचे आ जाएगा, तो आपके टीममेट को एक जाना पड़ेगा वहाँ पे एंड ये करेगा एंगर पिलर वाले पे। तो ऐसा आपको समझ में आ चुका होगा अभी एंड ये होने के बाद आपको लाल वाले फिर जाने के बाद यहाँ पे नीचे चले जाना, भाई अटक चुका है बंदा। ओके यहाँ पे नीचे आने के बाद अब स्टार्ट होती है यार मेन काम जो कि टर्मिनल स्टॉक में बहुत ईजी टर्मिनल्स आते हैं वैसे तो, बट हाँ ये देखो यहाँ पे जैसे कि ये मेजर वाला टर्मिनल आ चुका है, तो यहाँ पे बस आपको जहाँ पे ग्रीन लाइन से शुरुआत हो रही है वहाँ पे उस ग्लास पेंस पे आपको क्लिक करते रहना एंड पता नहीं है 2 बारी की वो रीसेट हो चुका है ये, क्योंकि भाई पता नहीं एक्सपी ग्लिच चल रहा है आई गेस कि मतलब कोई और टर्मिनल कर रहा है तो हमारा भी टर्मिनल जो है वो रीसेट हो जा रहा है, तो आई गेस ये जल्दी ये लोग फिक्स कर देंगे। बाकी चलते फटाफट टर्मिनल्स करने हैं क्योंकि भाई हमारे मतलब बंदे बहुत ज़्यादा फास्ट है भाई और टर्मिनल ईजिली कर लेंगे आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम में देखो ये है गाइस ब्लॉक वाला डिवाइस बटन वाला, तो इसमें जहाँ जहाँ पे आपको बटन ब्लिंक हो रही है सी लैंटर्न में
वहाँ पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, मेरा नेट हग रहा है इसलिए मैं जो इस नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आया और उसके बाद यहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ भी वो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं आपको एक बार ट्राई करें, ठीक है। एंड आखिरी में आता है बात नीवर की, तो नीवर को बस सिंपली से आपको उड़ के यहाँ पे आके नीवर को खींच देना है एंड आपका गेट जो है इजीली खुल जाएगा आप सही से सब कुछ करते हो तो, ठीक है। अब गेट जो है वो खुलने वाला 5 मिनट में खुल चुका है। एंड बाकी फिर से ये सेम सेम आपके टर्मिनल्स आपको रिपीट होंगे, कौन से काफ़ी इजी आएंगे और कौन से थोड़ा बहुत डिफिकल्ट वाला आएंगे, जैसे कि कलर वगैरह हो गया जिसने आपको कलर पहचान के और उसको गेस करना पड़ता है। एंड देन नेक्स्ट वाला आता है वो होता है लेटर्स वाला, तो यानी उस पर आपको एक रैंडम लेटर दे देंगे उससे आपको ये देखो ऐसे ओके यहाँ पे मतलब आइटम्स फाइंड करने पड़ेंगे जिसका स्टार्टिंग नेम दिए हुए आइटम से होगा। तो यार ये आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपका ईजिली जो है वो निकल जाएगा ना, आप इसमें धीरे धीरे ओके मास्टर बन सकते हो। अब मेरे 50+ रन हो चुके हैं इसलिए मुझे आदत सी हो चुकी है अभी। एंड ये सबसे ईजी वाला डिवाइस होता है, सिंपली से आपको एरो को लाइन बिन लाइन में करना होता है। देखो आपको रेड से शुरुआत करनी होती है, ऐसे ऐसे मतलब राइट टू लेफ्ट आपको जाना पड़ता है, तो सिंपली से आप ये एरो का वगैरह कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी होता है ये, थोड़ा आपको कर लेना। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मेरा नहीं ठग रहा है तो उसके लिए सॉरी। बाकी तो देखो ये गेट ओपन कर चुके हैं डन, अपना गेट का काम भी हो चुका है, फटाफट चलते हैं अभी यहाँ पे अंदर। एंड सेम यहाँ पे भी सेम टर्मिनल से है जिसको भी फटाफट अपन निकाल लेते हैं। एंड मैं डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए आप शॉर्ट में बता रहा हूँ। बाकी आपको सबको आता ही, एक दो बार अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आप समझ जाओगे खुद को खुद। एंड एक बोल्डर वाला फेज है इसमें आप काफ़ी, और ये देखो ये एक डिवाइस है, यहाँ पे आपको प्रेशर प्लेट के ऊपर बैठ के एरो से आपको जहाँ जहाँ भी एमरल्ड चमक रहा है एमरल्ड ब्लॉक वहाँ वहाँ पे आपको क्लिक करना है, बस इतना आपके इफेक्ट करने से आपका वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा। एंड बाकी बोल्डर के फेज में मैं बोल रहा था कि आपकी HP काफ़ी सारा ले सकता है, तो मेक श्योर करना आप मतलब थोड़ा ठीक से आप ये फेस निकालो क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा डैमेज देता है आपको, थोड़ा संभल के ये फेस निकाल लेना। बाकी निकल रहा ज़्यादा हार्ड नहीं है, फटाफट इसको मैं वाइट हेलमेट पहन लेता हूँ। एंड अपने पास आपको एक साथ में मिरर क्लॉकर रखनी ताकि लावा का डैमेज आपको ना पड़े। एंड देखो फटाफट ये आज की अपन निकल रहा हूँ मेरे फेस में, जो कि मेन फेस है इसकी HP होती है गाइस 1 बिलियन, तो बहुत ईजी वैसे तो मतलब गोल्डर से अगर आप चाहोगे तो जो न्यू प्लेयर्स होते हैं उनको तो यही लगेगा कि गोल्डर से ज़्यादा इसे निकालने, क्योंकि भाई गोल्डर बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है आपको, तो मेक श्योर करना आप अच्छे से सारे फेस निकाल पाओ। देखो यहाँ पे आ चुका हूँ फाइनली, एंड यहाँ पे आने के बाद ये गोल्डर आपको बीच में आ जाएगा निकलाउन सॉरी, तो उसको आपको फटाफट से मार देना। सो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, ईजी मर जाएगा। एंड इसके लिए अच्छे आर्मर्स और अच्छे वेपर्स मैं सजेस्ट करूँगा आने वाली वीडियो में, तो उसके लिए फटाफट मुझे कमेंट्स कर देना। देखो 50 मिलियन की HP एंड ये भाई हो चुका है खत्म, तो भाई बहुत ही आई नो इसने हमारी HP तो सिखाई है, बट ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं क्योंकि वो उतनी HP नहीं खाएगा, मैंने वार्ड वर्ड पहना था इसलिए, बाकी तो बहुत ही ईजी हमारा S+ निकल चुका है। एंड देखते कुछ अभी अच्छा ड्रॉप मिला है कि नहीं, बाय द वे S+ जी हो चुका है। एंड यहाँ पे तो पिस्टोरियस गियर मिला है जो कि ठीक ठाक मतलब ठीक है यार, बेटर ऑफ वाली चेस्ट में मेरा कुछ देखिए कुछ अच्छा, अरे भाई यहाँ पे तो मुझे टट्टी चीज़ मिली है, चलो कोई ना भाई हर रन में तो कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, मेरे पास 50 रन है, मेरे को सिर्फ एक ही बार मिजर की चेस्ट पे ड्रॉप हुई है, तो नेवर माइंड। बट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका ईजीली जो है वो हो जाएगा। एंड बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती होगी तो फटाफट मेरे को कमेंट्स करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो आर्मर चाहिए, आर्मर पर चाहिए या स्वॉर्ड पर चाहिए, तो मैं जरूर से वो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। बाकी उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आई होगी तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर देना। एंड जो भी अपना चैनल पे नहीं है वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, एंड जिन लोगों ने भी यार अपने फ्रेंड का शेयर नहीं करा वो भी फटाफट जाके शेयर कर देना। बाकी गाइस मिलता हूँ आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ में।